हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। DW के हफ्तावार प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आतिफ तौकीर। लेजर एक्सरे के जरिए मादे के एटमों के अंदर तक झांका जा सकता है। अपनी ही तर्ज की एक खुर्दबीन जो मॉलिक्यूल्स के बाहमी तांबुल और हत्ता के वायरस तक के अंदर की दुनिया दिखा सकती है। कई बरसों की तहकीक और मेहनत के बाद तख्लीक की गई इस एक्सरे लेजर ने अपना काम शुरू कर दिया है। इससे हमारा मुस्तकबिल कैसे तब्दील होगा, देखिए आज के सवाल में। इसके अलावा सवाल में आज माजूर की चाल बताएगी कि कैसी मसनूई टांग उसके लिए बेहतर है। हजारों साल पहले इंसान ने अफ्रीका से यूरोप हिजरत क्यों की, और तस्वीर बताएंगी कि सोवियत दौर और आज के यूक्रेन का फर्क क्या है। जर्मनी में जेर जमीन एक लेजर निजाम ने अपना काम शुरू कर दिया है। इसके जरिए साइंसदान मादे के अंदर झांक सकते हैं। मॉलिक्यूलों के तामुल, वायरस और जरासीम की हरकत पर निगाह और मादे की इंतहाई अंदर की तफसीलात का मुशाहिदा। एक तरफ तो बीमारियों के खिलाफ अद्वियात की तैयारी में मौसर होगा और साथ ही साथ मादे को बेहतर अंदाज से समझने में भी हमारी मदद करेगा। मगर ये खुर्दबीन मादे के अंदर झांकती कैसे है? जर्मनी के शिमाली हिस्से में सतह जमीन से नीचे बज़ाहिर ना खत्म होने वाली ये सुरंग मौजूद है। हैम्बर्ग शहर के नीचे इस सुरंग की लंबाई 3.4 किलोमीटर है और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर तरीन एक्सरे नस्ब है। ये साइंसी तंसीब ऑस्ट्रेलिया के आड्रियान मानकोसो समेत बैन अलाकवामी साइंसदानों के तखयुल का नतीजा है। This is the biggest, brightest, ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे रोशन और फी सेकंड सबसे ज्यादा तादाद में शुआ पैदा करने वाली एक्सरे है। ये साइंसी हवाले से इंतहाई मुनफरिद है। मेरे ग्रुप में 22 लोग इस पर काम कर रहे हैं। तजर्बात करने वाले इस स्टेशन पर मानकोसो और उनकी टीम इस सवाल का जवाब तलाश कर रही है कि वायरस कैसे काम करते हैं और खलियों की मालिक्यूलर तरतीब कैसी होती है। इनके इस दरियाफ्त से ऐसी बीमारियों के लिए अद्वियात की तैयारी की राह हमवार हो सकेगी जो अभी ला इलाज हैं। What we can do with an X-ray laser, एक्सरे लेजर के जरिए हम ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं जो आज तक किसी और तरीके से नहीं देखे जा सके। लिहाजा हमारा हदफ होगा कि हम मुख्तलिफ अशिया के बारे में जान सकें। इस निजाम के इब्तदाई 1.7 किलोमीटर में एक पार्टिकल एक्सेलरेटर इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा तवानाई फ्राहम करता है और इन इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार रोशनी की रफ्तार के करीब करीब पहुँच जाती है। ये इलेक्ट्रॉन्स मकनातीसों के दरमियान से गुजरते हैं जो इनकी तवानाई में इजाफा करते हैं। इस सारे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स लेज़र की तरह की तापकारी शुआएं खारिज करना शुरू कर देते हैं। इस सब का फ़ायदा क्या होता है? दरअसल हर एक ताकतवर फ्लैश एक तस्वीर बनाता है, यके बाद दीगरे ये तस्वीर एक फिल्म बना देती हैं। इस तरह एक सेकेंड के इंतहाई छोटे हिस्से में होने वाले कुदरती अवामिल को एक तरह से कंप्यूटर पर सहजहती शक्ल में दिखाया जा सकता है। रोशनी के इन ताकतवर झपकों या फ्लैश की क्या अहमियत है? इतनी ज्यादा ताकत के बायस हम इस काबिल हो गए हैं कि वो तजुर्बात भी कर सकें जिनके बारे में हम माजी में कहते थे कि वो नामुमकिन है। इस निजाम की मदद से दीगर शोबों में भी एडवांस रिसर्च के दरवाजे खुल जाएंगे, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, फोटोवोल्टाइक्स और सैयारों से मुतालिक तहकीक। इस तहकीकी मरकज की तैयारी पर कम से कम 1.2 बिलियन यूरो की लागत आई है और मेजबान मुल्क होने के नाते जर्मनी ने इसके निस्फ से ज़ायद अखराजात बर्दाश्त किए हैं। हम यकीनी तौर पर यहाँ होने वाले काम पर नोबेल इनामात की तवक्को भी कर रहे हैं, शायद इस बरस नहीं तो चंद बरसों बाद। हम यहाँ बहुत अच्छे तहकीकी नतायज की तवक्को कर रहे हैं। इस तहकीकी मरकज ने सितंबर के आगाज से काम शुरू कर दिया है। किसी हादसे में कोई शख्स अपनी एक या दोनों टांगों से महरूम हो जाए तो उसे मस्नूई टांगों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन किस मरीज के लिए किस तरह की मस्नूई टांग सबसे बेहतर साबित होगी, ये बात अब मरीजों की चाल के हाईटेक तज्जिये से तय की जाती है। 16 जून 2016 काम के दौरान हादसा।
मरीज लुडविगहाफन के एक्सीडेंट क्लिनिक में लाया गया। उस दिन ने डीटर क्लाउस की जिंदगी बदल कर रख दी। मरीज की जगह जगह से टूटी हुई टांग बचाई न जा सकी। मैं जानता था कि क्या होगा। पहले दो तीन हफ्ते इंतहाई मुश्किल थे। मेरे अहले खाना और दोस्तों ने भी मेरी बड़ी मदद की। फिर मसनूई टांग के साथ मैंने भी हालात को तस्लीम कर लिया। टांग काटे जाने के चार हफ्ते बाद डीटर क्लाउस को एक प्रोस्थेसिस या मसनूई टांग लगा दी गई। इसी टांग के साथ वो अब लुडविगहाफन के अस्पताल की वॉक टेस्टिंग लेबोरेटरी में जाते हैं। उनके पूरे जिस्म पर खास मार्कर लगाए जाते हैं। ये मार्कर ऑप्टिक ट्रैकिंग के लिए जरूरी हैं। दो वीडियो कैमरों और 8 इंफ्रारेड कैमरों से बना ये निज़ाम इन मार्कर्स की पोजीशन का मुस्तकिल और मिलीमीटर की हद तक जायजा लेता है। तिबी माहरीन 15 मीटर लंबे ट्रैक पर मरीज की हर छोटी से छोटी जिस्मानी हरकत भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और यूं कंप्यूटर पर डीटर क्लाउस के जिस्म का एक 3D मॉडल बन जाता है। हम दौरान हरकत हर जोड़ के जाविये के 3 मुख्तलिफ अक्स बनाकर इस पर पड़ने वाली कुव्वत को मापते हैं। ये तकरीबन वही तरीका है जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी फिल्मों में एनिमेशन के लिए इस्तेमाल हुआ था। यहाँ कोई डिजिटल किरदार तख्लीक नहीं होते, बल्कि मसनूई टांगों वाले अफराद कुदरती अंदाज में चलना सीखते हैं। देखा यह जाता है कि मरीज की हिप की हड्डी और असली टांग का पांव कैसे हरकत करते हैं। मकसद चाल में हम आहंगी लाना होता है। इस तरह डिजिटल डाटा की रोशनी में ये परखा जाता है कि मरीज के लिए कौन सी थेरेपी बेहतर है और उसके लिए बेहतरीन प्रोस्थेसिस कैसा होना चाहिए। यूं मरीज की रोजमर्रा जिंदगी के अलावा पेशावराना जिंदगी में वापसी भी यकीनी बनाई जाती है और ये भी कि उसे मसनूई टांग की वजह से मुस्तकबिल में कोई शिकायत ना हो, यानी उसके जिस्म के दूसरे जोड़ों पर कोई दबाव ना पड़े। मसलन ये कि मसनूई टांग की वजह से किसी मरीज की सेहतमंद और असली टांग मुतासिर ना हो। डीटर क्लाउस इस वॉक टेस्टिंग लेबोरेटरी में अपने लिए प्रोस्थेसिस के मुख्तलिफ मॉडल टेस्ट कर रहे हैं, कभी बेसाखियों के साथ और कभी उनके बगैर। इस तरह डीटर क्लाउस के महसूसात और डिजिटल डेटा की बुनियाद पर उनकी चाल का इंतहाई दुरुस्त तज्जिया मुमकिन हो गया। प्रोस्थेसिस ऐसा होना चाहिए कि चलते हुए उनकी मसनूई टांग का घुटना मुनासिब कुव्वत के साथ बिल्कुल कुदरती जाविये पर मुड़े और जिस्म को ऐसा महसूस हो जैसे कोई इंसान अपनी दोनों टांगों से कुदरती तौर पर चलता है। ये सब कुछ 3D ऑप्टिक ट्रैकिंग के बगैर मुमकिन ही नहीं था। ऐसी एक मसनूई टांग पर 50,000 यूरो या उससे भी ज्यादा लागत आती है। कई पुर्जे मैकेनिकल होते हैं और घुटने का जोड़ इलेक्ट्रॉनिक जिसे ब्लूटूथ के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। हर मसनूई टांग अपनी जगह मुनफरिद थी। आप उसे पहनकर नए सिरे से चलना सीखते हैं। मैंने इस टांग का हतमी इंतखाब इसलिए किया कि मुझे लगा कि मेरे लिए यही सबसे अच्छा है, ताकि मैं दोबारा चल फिर सकूं और पहले की तरह मौशरे का हिस्सा बन जाऊं। आहिस्ता या तेज लेकिन खुद एतमादी के साथ चलना, डीटर क्लाउस के लिए यही चैलेंज था। मोशन कैप्चर की मदद से तैयार की गई मसनूई टांग के जरिए अब उनके लिए गिर जाने के खौफ के बगैर सीढ़ियां चढ़ना और उतरना भी मुमकिन हो गया है। हादसे के तकरीबन 1 साल बाद डीटर क्लाउस कहते हैं कि अब ये मसनूई टांग उनके जिस्म का हिस्सा है। वो खुश हैं कि वो अच्छी तरह चल फिर सकते हैं। ब्रेक के बाद देखिए, हजारों बरस कबल इंसान अफ्रीका से यूरोप क्यों मुंतकिल हुए थे। ये DW उर्दू की वेबसाइट है। आजाद सहाफत, खबरें, पस मंजर, तज्जिये और तबसरे जर्मनी, यूरोप और दुनिया भर से। DW.com/urdu। हजारों बरस पहले इंसान किस तरह अफ्रीका से सफर करता हुआ यूरोप तक पहुंचा? क्या इस नकल मकानी के पीछे मौसमियाती तब्दीलियों का हाथ था? एक जर्मन साइंसदान इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए अफ्रीका में अपनी तहकीक जारी रखे हुए हैं। इसलिए आइए हम भी आपको वहीं ले चलते हैं।
سہارا کے بالکل وسط میں یہ علاقہ سوئٹزرلینڈ کے رقبے کے برابر ہے۔ آبشاروں، تالابوں اور ندی نالوں پر مشتمل یہ سرسبز و شاداب وادی صدیوں کے سفر کے بعد وجود میں آئی۔ زمین پر موجود سب سے بڑے صحرا میں انسانوں اور جانوروں کے لیے یہ جائے پناہ ہے۔ ماہر ارضیات اسٹیفن کرپلن کی بھی یہ پسندیدہ جگہ ہے۔ گزشتہ 40 برسوں سے وہ اس خطے کی تاریخ اور آب و ہوا پر تحقیق کر رہے ہیں۔ اپنی ہر مہم کی تیاری وہ کولون یونیورسٹی کے ابتدائی تاریخ کے شعبے میں کرتے ہیں۔ یہاں وہ ساتھ لائے ہوئے نمونوں کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ آج کا جدید انسان جنوبی افریقہ اور سہارا سے ہوتا ہوا یورپ تک کیسے پہنچا۔ اس میں ماحول کا کردار بنیادی رہا ہے۔ اسٹیفن کرپلن کے 60 تحقیقاتی دوروں میں سے اونیانگا جھیلوں کا دورہ سب سے اہم تھا۔ یہ چھوٹی جھیلیں ان بڑے دریاؤں کا حصہ تھیں جو 4000 سے 12000 سال پہلے تک یہاں بہتے تھے۔ تب سہارا سرسبز اور قابل کاشت تھا۔ ان جھیلوں کی تہ میں ماضی کے ماحول کی تاریخ محفوظ ہے۔ اسٹیفن اور ان کی ٹیم نے ڈرلنگ کے ذریعے متعدد زمینی نمونے حاصل کیے ہیں۔ ان نمونوں کی مدد سے بنائے گئے چارٹ سے ماحولیاتی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ زمینی نمونے بلا شبہ ماحولیاتی تاریخ کی بہترین آرکائیو ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ یہ سارے افریقہ کی گزشتہ 11000 سالہ ماحولیاتی تاریخ ہے۔ ان نمونوں کا پوری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں۔ ماحولیاتی تاریخ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اسٹیفن ان نشانات کی تلاش میں ہیں جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ پتھروں پر کندہ یہ نشانات اس خطے کی آبادی، حیوانات اور نباتات کی صدیوں پرانی تاریخ کی جھلک ہیں۔ صدیوں پہلے یہ علاقہ سرسبز اور زندگی سے بھرپور تھا۔ اسٹیفن کرپلن کا اس خطے کے لیے یہ جذبہ دوبارہ اسی ماہ انہیں سہارا لے جائے گا۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کئی دن مقامی باشندوں کے ساتھ اونٹوں کے ہمراہ سفر کروں گا، اس جادوئی سرزمین پر مجھے ماضی کے ایسے نئے نشانات ملیں گے جن کی مدد سے میں کچھ نیا کر سکتا ہوں، تو یہ خیالات مجھے یہاں کرسی پر بیٹھا رہنے ہی نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیفن خود کہتے ہیں کہ جرمن شہر کولون ان کا پسندیدہ ترین شہر ہے، لیکن افریقہ میں وہ خود کو ایک مقامی باشندہ محسوس کرتے ہیں۔ بریک کے بعد دیکھیے سوویت یونین کے دور اور آج کے دور کے یوکرائن کا فرق تصویروں میں۔ فیس بک اور ٹویٹر، موضوعات جو زیر بحث ہیں، معلومات جو لوگوں کو جوڑتی ہیں، آپ کی رائے ڈی ڈبلیو فیس بک اور ٹویٹر پر۔ کینیڈا کے ایک فنکار پینٹنگز کے ذریعے یوکرائن کے دارالحکومت کیف کے ماضی اور آج کا فرق واضح کر رہے ہیں۔ شہر بھر میں سوویت دور کے طرز تعمیر والی عمارات کے بیرونی حصوں کو نئی شکل دی جا رہی ہے۔ ایک گہرا سیاسی عمل۔ آرٹسٹ ایمانوئل یاروس کا تعلق کینیڈا سے ہے۔ ان کے آباؤ اجداد یوکرائن سے تھے۔ وہ پینٹنگ کے ذریعے کیف شہر کی نئی تصویر اور سابقہ سوویت دور میں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ شہر بھر میں سوویت دور کے طرز تعمیر والی عمارات کے بیرونی حصوں کو نئی شکل دی جا رہی ہے۔ ایک گہرا سیاسی عمل۔ یاروس کرین ڈرائیور وکٹر اور ان کی کرین کے بغیر چکرا دینے والی ان اونچائیوں پر کام نہیں کر سکتے۔ کہا جا سکتا ہے کہ 100 سال تک یہ صرف ایک عام سی دیوار تھی۔ اب لوگ زیادہ کشادہ ذہن ہو چکے ہیں۔ یہ وال پینٹنگ ایک کھڑکی کی طرح سے ملک کی کشادہ دلی کی ایک علامت قرار دی جا سکتی ہے۔ یاروس کشادگی کے اس عمل کی تصویر کشی کرنے پر نازاں ہیں۔ یہ دیوار پر ایک نئی شناخت کندہ کرنے جیسا ہے۔ یہ تصویریں روس اور عام سوویت تاریخ کا فرق واضح کرتی ہیں۔ یہ بہت زبردست ہے، جیسے ہم اب بھی سوویت دور میں رہ رہے ہیں۔ یہ دیکھنا کہ کیسے سب آہستہ آہستہ ختم ہو گیا بہت دلچسپ ہے۔
इस शहर में जिदत पसंदी का रुझान बढ़ा है और लोग अब कुछ नया चाहते हैं। तारीख को जदीद स्ट्रीट आर्ट के जरिए बयान करना ये शानदार है। ये वॉल पेंटिंग्स आर्ट गैलरियों में छुपी हुई नहीं बल्कि सबके लिए हैं। खुले आसमान के नीचे तस्वीरों की एक नुमाइश। ये तस्वीर बनाना इस फनकार के लिए मजमुई तौर पर अहम था क्योंकि ये कीव के इलाके मजदान में इनकलाब की रूह से मुतालिक हैं। दूसरी तरफ यूक्रेनी फोटोग्राफर यूगेनी निकिफोरोव पुराने सोवियत यूनियन के स्ट्रीट आर्ट को महफूज करना चाहते हैं। सोवियत यूनियन का कदीमी स्ट्रीट आर्ट, दीवारों पर मोज़ेक तस्वीर बनाने का फ़न। इससे पहले कि देर हो जाए निकिफोरोव इस फ़न को फोटोग्राफी के ज़रिए महफूज कर लेना चाहते हैं। ये मोज़ेक अहम है, ये हमारी सकाफत और तारीख का हिस्सा है, मेरी नस्ल के लिए भी जो इस फ़न की तख्लीक के वक्त मौजूद नहीं थी। अपनी तारीख के इस हिस्से को महफूज करना ज़रूरी है, असली सूरत में नहीं तो तस्वीर ही बना ली जाए। दरी असना कीव में ताज़ा तरीन वॉल पेंटिंग तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। ये रूहे इनकलाब को ज़िंदा रखने के लिए है। अमन के पैगामात और इनकलाबी तस्वूरात के ये अक्स बारहा वसी पैमाने पर बहस का मुहर्रिक बनते हैं। मुझे लगता है कि हमें पुरानी कम्युनिस्ट अलामतों से निमटना होगा और वो भी ज़रा जल्दी। मैं ये मज़ीद नहीं देखना चाहती। मेरा यकीन है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं, हमें आगे कदम बढ़ाने होंगे, सिर्फ आगे की समत। उनका कहना है कि सोवियत दौर यूक्रेन की तारीख का एक हिस्सा ही रहेगा, ताहम ये यादें माजी के बरादर मुल्क की जानिब से की गई जारहियत की वजह से धुंधली पड़ती जा रही हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम? इस प्रोग्राम में आपने देखा कि लेज़र एक्सरे के ज़रिए मादे के अंदर की तफसीलात का मुशाहिदा किया जा सकता है। क्या आप समझते हैं कि इस तरह बीमारियों के बेहतर इलाज में हमें मदद मिलेगी? ज़रूर बताएं #सवाल के साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर। सवाल में शामिल रिपोर्ट्स देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं सवाल का खसूसी पेज हमारी वेबसाइट dw.com/urdu पर। अब दीजिए हमें इजाज़त, आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे साइंस की दुनिया की हैरतअंगेज मालूमात के साथ। तब तक के लिए आदाब।